भवनाथपुर प्रखंड के सिंदूरिया पंचायत के डीलर योगेंद्र जायसवाल के द्वारा लाभुक रजाक खान को सड़ा हुआ चावल देने का मामला प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए लाभुकों को मई और जून का राशन मुफ्त में मुहैया कराने की घोषणा की गई है। उसी के तहत लाभुक रजाक खान अपना राशन लेने गए हुए थे। वहाँ पर उनको डीलर के द्वारा सड़ा हुआ चावल दिया गया और केरोसिन तेल मांगने पर ये बोलकर भगा दिया गया कि केरोसिन तेल का आवंटन 2 साल से नहीं हुआ है। लाभुक रजाक खान ने बताया कि उनको 2 साल से केरोसिन तेल नहीं दिया जा रहा है। लाभुक ने बताया कि डीलर से पूछने पर बोला जाता है कि जब केरोसिन तेल आया ही नहीं है तो हम कहां से दें। इस मामले की सूचना जब सामाजिक कार्यकर्ता सुबोधकांत पाठक को मिली तो उन्होंने पंचायत के मुखिया राजेश प्रसाद गुप्ता को इस मामले से अवगत कराया। मुखिया राजेश प्रसाद गुप्ता ने डीलर से इस संबंध में जानकारी मांगी। सड़ा हुआ चावल देने का मामला जब तूल पकड़ने लगा तो डीलर योगेंद्र जायसवाल के द्वारा सड़े हुए चावल के बदले दूसरा चावल दिया गया और 1 लीटर केरोसिन तेल भी लाभुक को दिया गया। ये चावल कहाँ से मिला आपको ऐसा भुकड़ा हुआ? जायसवाल ने है। कौन जायसवाल? मंजिल तरफ उधर जायसवाल जी। डीलर वही है? वही डीलर बना है ना। वो क्या बोले कि चावल अभी ऐसा ही आ रहा है? ऐसे चावल बोरस उठा कर दिया। तो उसको आप बोले नहीं कि ऐसा चावल कहे दे रहे हैं? हम कुछ नहीं बोले, उठा कर दे दिया, लेके चल दिया। मैंने गरीब जनता का शोषण किया जा रहा है बाबू। सरकार भेजेगा तो मानो गोहे को उठाएगा, जैसे गंदगी जैसे पड़ते सा। अरे बढ़िया दो नाम अच्छा करो। मतलब ये फ्री वाला कोटा वाला जो आया है अभी वो वाला चावल है? खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।